देश में इन दिनों जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तल्खी आती जा रही है। जोश जोश में नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कभी तो उनका फायदा पहुंचाता है तो कभी उन्हें ही बैकफायर कर देता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि देश में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए लेकिन किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो वहीं कुछ दिन पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने पीएम मोदी पर आरक्षण को लेकर हमला बोलते हुए कहा था कि मुकेश सहनी ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पीएम कुछ भी बोलते हैं। जब मछली मटन मंगल सूत्र में उलझ जाते हैं तो दुख होता है कि इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रही, अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, वीपी सिंह रहे, देवगौड़ा रहे, चंद्रशेखर जी रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, मोरारजी भाई रहे और न जाने कितने। किसी ने अपनी इतनी बदजुबानी नहीं की। विपक्ष का मतलब शत्रु नहीं होता। हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन हम एक दूसरे के खतियानी शत्रु नहीं। ये शत्रुता की जुबान में तब्दील करने को इंडियन पॉलिटिक्स का अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़िए। गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला, 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का यहाँ पर रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे बाद में उन्हें ही फायदा या फिर नुकसान होता है, और या यूं कहें कि जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है उन्हें एक तरह से बैठे बिठाए मौका मिल जाता है घेरने के लिए। देखिए, बयान जो भी दिए जाते हैं सोच समझ के दिए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा दिए जा रहे हों या विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं, और उस बयान के परिणाम क्या होंगे ये पहले से पता रहता है। और राजनीति में जहां इलेक्शन रहता है तो इस तरह से बयान दिए जाते हैं। खासतौर पर बात करें तो मुकेश सहनी हो या कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव हो, ये तमाम लोग बयान इसलिए प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके समर्थित जो वोटर हैं वो जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे वो उनको वोट करेंगे। तो साफ तौर पर एक तरह से ये सोची समझी जो है बयान है, और सोच समझ के बयान जो है एक प्लानिंग के तहत दिया जा रहा है। अब बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी की बात की जाए, मुकेश सहनी ने भी जो बयान दिया है वो सोच समझ के दिया है। जिस तरह से बयान आया उसके बाद दोपहर के बाद उनके सिक्योरिटी हटाने की बात की गई और उनकी जो है सिक्योरिटी हटाने गई, तो साफ तौर पर यह था कि जब मुकेश सहनी ने बयान दिया वो कहीं ना कहीं सोच समझ के दिया मेरे हिसाब से। कारण ये है कि देखिए, राजनीति में होता क्या है कि जब आपको सुरक्षा मिलती है और सत्ता पक्ष में रहते हैं तो ठीक है, विपक्ष में आप जाते हैं तो विपक्ष में जब आप जाते हैं तो आपकी भावना ये हो जाती है कि आपके साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं आपके रिपोर्ट को कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष के द्वारा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं जो है मुकेश सहनी ने के दिमाग में आया कि हमारी रिपोर्ट जो है वो सत्ता पक्ष को जा रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह से बयान दिया और इस तरह से बयान देने के बाद उनकी सुरक्षा हटाई गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है मुकेश सहनी का, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्योंकि जब मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि हम एनडीए की तरफ में बात कर रहे थे, फिर महागठबंधन की तरफ बात कर रहे थे, तो दोनों तरफ जब महागठबंधन में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लालू यादव की मुलाकात हुई थी उस समय बड़ी तरीका जो था वो काफ़ी ही गुपचुप था और काफ़ी जो है गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई थी और उसकी भनक जो है एजेंसियों को नहीं लगी थी।
जिस तरह से एजेंसी लगी हुई थी, साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों को भी न लगी हुई थी। और उसके बाद ये मन में एक शक बैठ गया था कि हमारी जो है सारा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं, ये माना जा सकता है। और यही कारण जो है मुकेश सहनी ने उस तरह का बयान दिया। दूसरी चीज बयान देने का मुकेश सहनी का ताल्लुक ये भी है कि झंझारपुर का उन्होंने चर्चा किया, झंझारपुर आरजेडी ने मुकेश सहनी को सीट दिया है और झंझारपुर से उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वहाँ के वोटरों के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई भी बयान अभी दिए जा रहे हैं काफ़ी सोच समझ के दिए जा रहे हैं और उसके राजनीतिक फायदे और नुकसान पहले ही ये तय कर लिए जाते हैं कि हम बयान देते हैं तो उसके हमें राजनीतिक फायदा होगा या राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन रुपेंद्र, इन बयानबाजी के दौर में अगर देखा जाए तो ऐसे में इस बीच में जनता जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में आती है, क्योंकि यही मुकेश सहनी जो थे वो जब एनडीए में थे तो एनडीए का गुणगान करते थे, लेकिन जब वो इंडिया अलायंस में शामिल यहाँ पर हुए उसके बाद से एनडीए के खिलाफ बोलने लगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं के प्रति जो जनता का विश्वास है वो भी खो जाता है। देखिए, जनता की बात आपने की तो ऐश्वर्या जानने कि जनता की बात है ना, तो जनता इतनी जो है वो मूर्ख नहीं है, जनता काफ़ी चलाक है। और ख़ास तौर पर बात की जाए पहले के राजनीति में 80-90 के दशक की बात, क्योंकि देखिए हमें 60-70-80 की बात इसलिए कह रहे हैं कि उस समय जो नेता हुआ करते थे वो जनता के लिए हुआ करते थे। अब के जो राजनीतिक जो जानकार हैं उनका कहना है कि अब के नेता होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, जिस तरह से बयानबाजी में भी आप देख रहे हैं। तो साफ तौर पर जनता जो है काफ़ी जो है वो होशियार है, काफ़ी चालाक है। जनता को जिसको वोट करना है वो जरूर करेगी, लेकिन पहले मीडिया के माध्यम से जब पूछा जाता था तो जनता बता देती थी कि हम किसको कर रहे हैं, लेकिन अब जनता मीडिया को भी नहीं बताती है और अपने आप जो है चुपचाप अपना काम कर देती है। तो यही कारण है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता एक एक चीज़ों पर ध्यान रख रही है, कौन उसके लिए है कौन नहीं है। और कहीं कहीं देखा जाता है कि किसी पार्टी की लहर चलती है और वहाँ भी विपरीत उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार वहाँ की जनता के लिए अच्छे होते हैं तभी वो जीत जाते हैं। और जब किसी पार्टी की हवा चलती है और बड़े बड़े उम्मीदवार हार जाते हैं जिनका एक नाम होता है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में ठीक नहीं बैठते हैं, इसलिए हार जाते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जनता जो है अपने हिसाब से वोट करती है और इस बार भी अपने हिसाब से वोट करेगी, वो सत्ता पक्ष के लिए हो या विपक्ष के लिए हो। जी बिल्कुल, और बयानों का तीर किससे फायदा पहुंचाता है और किससे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया